दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर और पॉपुलर कंटेस्टेंट पवनदीप राजन को इंडियन आइडल ने कामयाबी के शिखर तक पहुंचा कर रख दिया है। पवनदीप राजन को इसी इंडियन आइडल ने 25 लाख रुपए के साथ साथ एक लाल कलर की गाड़ी भी दी, जो कि इनकी लाइफ की पहली गाड़ी थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसी इंडियन आइडल के बारे में पवनदीप राजन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बारे में सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। शो के जजेस जैसे अनु मलिक, हिमेश शमिया और नेहा कक्कड़ भी इनकी ऐसी बातें सुनकर हैरान हो चुके हैं। पवनदीप राजन जैसे छोटे से गांव से आने वाले टैलेंट को इसी इंडियन आइडल ने उन्हें नाम के साथ साथ शोहरत और इज्जत भी इनके कदमों में लाकर रख दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसी इंडियन आइडल के बारे में पवनदीप राजन ने हाल ही के इंटरव्यू में कुछ ऐसी बड़ी बातें सामने लाकर रख दी हैं, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। कौन कौन सी है वो बड़ी बातें जो पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल के बारे में सबके सामने लाकर रख दी है, पूरी खबर बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। जान पर आपने सबसे पहले जल्द से हमारे चैनल TrueBollywood को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल के बारे में क्या कह दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पवनदीप राजन का इंटरव्यू हुआ और जब पवनदीप राजन से इंडियन आइडल के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जब इंडियन आइडल के ऑडिशन शुरू हुए तो मैं ये सोच रहा था कि इस कोरोना काल में मैं ऑडिशन किस तरह से दूं, तो इसीलिए मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशन ऑनलाइन दे दिए और मुझे सिलेक्ट भी कर दिया। लेकिन दोस्तों पवनदीप राजन का कहना है कि जब मैं यहाँ आया तो मैं हर किसी को देखकर काफी डर गया था, क्योंकि यहाँ सवाई भट्ट, साइली कामले, अरुणिता कांजिला, मोहम्मद दानिश जैसे काफी टैलेंटेड सिंगर भी थे, इसीलिए ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडियन आइडल का विनर बन पाऊंगा। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहाँ पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर अगर आपने सबसे पहले जल्द से हमारे चैनल TrueBollywood को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।